मुकम्मल ज़रूर बात हो जाए, और बड़वानी की ताकत वो बताती भी है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जलती रहे, विकास की, तरक्की की, आगे बढ़ने की। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का, और मैं समझ रहा हूँ कि दिन भर की थकान, लेकिन उसके बाद भी जज्बा काम करने का, निरंतर आगे बढ़ने का। गजेंद्र जी से शुरुआत करके मैं हमारे हरदीप जी की तरफ आऊँगा। गजेंद्र जी, एक युवा सांसद, एक ऐसा ज़िला जहाँ विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है, एक ऐसा मुख्यमंत्री भी जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुखिया जिसने रिकॉर्ड बनाया है देश में, जो विकास को लेकर निरंतर आगे, किस तरह से आप देखते हैं कि बड़वानी को लेकर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति है, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये ज़िला टॉप के मध्य प्रदेश के ज़िलों में शामिल होगा, क्या कहेंगे? धन्यवाद द्विवेदी जी। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के इस आपकी आवाज़ में राइजिंग बड़वानी के इस आयोजन पर सबसे पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे विद्वत जन हैं, उनको मैं सांसद होने के नाते और एक इस बड़वानी जिले का बेटा होने के नाते आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बात हो रही है बड़वानी के विकास की, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बड़वानी जिला सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा है। माँ नर्मदा के किनारे एक मीठे जल के अनुसार पूरे क्षेत्र की जनता, उसमें भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, एक मीठी वाणी से एक प्रेम पूर्वक बड़वानी के लोग जीवन व्यापन करते हैं। क्योंकि शुरुआत में इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि बड़वानी से लगाव मेरा नहीं, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय उमराव सिंह जी का, मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय पर्वत सिंह जी का, देश की आज़ादी में लड़े, 52 का जनसंघ का प्रथम चुनाव लड़ा, 72 से लेकर 92 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। इसलिए बड़वानी के प्रत्येक घर से जुड़ाव हमारे परिवार का रहा है। खरगोन मेरे लोकसभा में एक जिला आता है, दोनों जिले मेरे लोकसभा से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर जनप्रतिनिधि की बात आती है और विकास की बात आती है, जिस उद्देश्य को लेकर हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस चार वाक्य में हम इस विकास की गाथा को परिपूर्ण करते हैं। और इसलिए मैं बड़वानी की जनता, जो मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि संबंध, रिलेशन, आत्मीयता पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि बड़वानी सबसे अव्वल जिला उस श्रेणी में आता है। यहाँ पर जैन समाज का 52 गजा तीर्थ है, यहाँ पर हमारे नागलवाड़ी का, हमारे भिलेट देव का मंदिर है, बिजासनी माता का एक तीर्थ स्थल है, रामगढ़ जैसा पुराना यहाँ पर एक राजशाही राज भी रहा है, और यहाँ पर 67% जनजाति समुदाय बाहुल्य, और यादव है, सिरवी है, अनेक प्रकार के अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो ये बहुत तमाम प्रकार के लोगों का एक समग्र है। ये आकांक्षी जिले में भी आता है बड़वानी, देश भर के 116 जिलों में और मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में बड़वानी सबसे अव्वल आकांक्षी जिलों में आता है। अभी आदरणीय कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब ने काफ़ी इस बारे में जिक्र किया है, परंतु इस पिछले कुछ वर्षों से विकास की राह पर बड़वानी ने अच्छी तरक्की करी। अब उदाहरण के तौर पर हम 3-4 विषय पर जाना चाहते हैं कि जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तो लगे ही विकास के लिए, मैंने कहा ना कि जनता का प्रयास इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो जहाँ पर पहले खरगोन जिले में बड़वानी आता था, जब जिला अलग हुआ, अभी 25 मई को हमारा इस बड़वानी जिले का जन्म
दिन भी रहेगा। बड़वानी की जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं, क्योंकि इतना जबरदस्त दबाव रहता है कि धार जिले का मनावर हो, कुक्षी हो, झाबुआ हो, खरगोन के सब पेशेंट इलाज कराने के लिए उनके स्थान पर नहीं करते, परंतु उनको विश्वास है कि बड़वानी के जिला चिकित्सालय में तमाम व्यवस्थाएं हैं और डॉक्टरों का व्यवहार इतना अच्छा है कि जहाँ पर इस प्रकार की जिले के लोग भी बड़वानी के जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आते हैं। 500 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो गया है, जिसमें हमने केंद्रीय फंड से 100 करोड़ केंद्रीय फंड से हमने 100 बेड का हमने एक सोला पलंग को तोड़ के काम शुरू चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार से हम फंड लेकर आए थे और उसका काम चल रहा है। एक बड़ा हॉस्पिटल का हो रहा है, शिशु वार्ड हमने अभी पिछले वर्ष हमने बनाया है, 40 लाख रुपए का मेरी निधि से हमने ICU वार्ड का निर्माण किया है, हमारा एक्सरे है, सोनोग्राफी है, तमाम प्रकार की जाँचें हमारे जिला चिकित्सालय में होती है। एक अच्छा सुंदर परिसर जिला चिकित्सालय में हमने डेवलप भी किया है और इसलिए बड़वानी के सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इस दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इलाज होगा और जो डॉक्टर करेगा वो पूरे मनोयोग से करेगा। इसलिए हमारा हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल में सबसे अच्छा हॉस्पिटल हमारा है, ये इसलिए विकास की गति में हम बढ़े। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है और मैं आता हूँ कुछ और सवालों के साथ। अब मैं एक ऐसे कैबिनेट मंत्री की तरफ बढ़ता हूँ जो जिनकी सरलता, जिनकी सादगी, पहले इसी सवाल से शुरू करता हूँ, थोड़ा ऑफ बीट सवाल है। सरलता और सादगी बड़ी मुश्किल भी पैदा करते हैं हरदीप जी। लोग ये मानते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, कोई भी काम निकाला जा सकता है, कुछ भी समझाया जा सकता है, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि क्या कहें, दुनिया की रीति यही है कि वो चाहते हैं जटिल व्यक्तित्व हो, अकड़ वाला व्यक्तित्व हो। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी जब मैं ये पूछता हूँ सवाल, तो कहते हैं मुझे कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि आदमी अकड़ कर चले, बहुत कम जवाब दे, बहुत भारी बना रहे हमेशा। आप मुझे बताइए, राजनीति में इस सरल, सहज, बिना दंभ और घमंड के चलने के फायदे ज़्यादा हुए, नुकसान ज़्यादा हुए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। पहले तो मैं हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ और टीम टिमाती जो लाइटें नीचे दिख रही है, इतनी सुंदर वातावरण और इस पहाड़ी पर जो हरियाली बिछी हुई है, जो चादर बिछी हुई है, और उसके बीच में शरद जी जैसे इंसान के दर्शन यहाँ पर हो गए हों, अपना आप जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें कि राजनी बड़वानी का जो आज प्रोग्राम रखा है। पहले तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ, पत्रकार लोगों से तो बहुत मिलता हूँ, कई जगह स्टूडियो में जाता हूँ, कई चैनल पे जाता हूँ। आज शायद पहली बार मेरे को रूबरू मौका मिला है और टीवी पे देखने का जो मौका है, हे प्रभु आनंददाता, जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए कि इतना सुपर हिट अगर जो नहीं देखता हो तो आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। सुबह 6:25 पर आप बंसल न्यूज, ऐसा नहीं कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत गहराइयों से बोल रहा हूँ, 6:25 पे आप उसको देखें तो आनंद आएगा। उसके बाद अगर चुक जाएँ तो 8:30 बजे आ जाएगा और फिर उसके बाद चुक जाएँ तो शाम को 5:30 बजे फिर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी हालत में, अभी मैं सुबह रात के मतलब सुबह यहाँ पर आया था, मतलब रात को मैं आया था करीब 1 बजे, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि प्रोग्राम निकल जाए, 6:15 बजे नींद खुली और पहाड़ी पर जहाँ पर पौधे लगा रखे हैं हमारे सांसद और कलेक्टर साहब सब के, वहाँ ऊपर वहाँ पर घूमते, वो यक्ष प्रश्न के बारे में जो आपने 2 दिन से चर्चा चल रही है, और हमारे प्रोफेसर गोस्वामी जी को भी यहाँ से आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ, और आप और आपका जो जवाब देता है एक दूसरे का बहुत ही सराहनीय है। अब रही सरल जीवन, सादगी वाला जीवन, जब आपके जैसे व्यक्तियों से मिलना हो जाता, सुनने का मौका मिलता है और प्रोफेसर गोस्वामी जैसे इंसानों से मिलने का मतलब कि सुनने का जो मौका मिलता है, मनुष्यता क्या है और मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, तो ये माता पिता से ही सीखने को मिला। मैं गर्व करता हूँ अपने माता पिता पे कि मैं उनकी संतान हूँ, जिन्होंने मेरे को अपने आंगन में ही जिस प्रकार से जो शिक्षा दी,
जो एक सही तरीका जीने का जो बताया है। जब रही वीर वीर की बात, जब वीरों की बात आती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महाराणा प्रताप और शिवाजी की बात आती है, और जब सिंपल और झुकने की बात आती है तो हमारी माताजी और पिताजी जिस प्रकार से उन्होंने जीवन में अपना संघर्ष देखा है, और उनके आशीर्वाद से पढ़ाई करते करते जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक तो मिलिट्री में जाने की इच्छा थी कि एम कॉम करते करते मैंने कहा मिलिट्री में जाएंगे, पर कहीं ना कहीं उम्र ज़्यादा हो गई जो मिलिट्री की उम्र होती जाने में। फिर सरपंच का जब फार्म भरा तो मैं पिताजी की एक उदाहरण बता रहा हूँ कि सरल जीवन क्या है, कि मैं जब अंदर जाता था तो पिताजी से कोई मिलने आता कि सरपंच साहब हैं क्या, तो वो अंदर आते थे तो बोलते थे कि वो बाहर बुला रहा। मैंने कहा मैं डेडी जी बोलता हूँ, मैंने कहा दो मिनट में आ रहा हूँ डेडी जी बोल दूँ, कि नहीं नहीं वो तेरे नौकर नहीं है, पहले पहले उनसे मिल क्या। तो उन्होंने जो शिक्षा दी है कि पहले सादगी से मिल क्या, तो ये उनकी जो शिक्षा सरपंच से लेके 2000 से 2005 तक सरपंच जी, फिर जिला पंचायत, फिर विधायक, फिर विधायक राज, फिर आपके सामने यहाँ पर जो ईश्वर ने मौका दिया है। और सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी होती है तो जनता की दुआएं, उनका आशीर्वाद, और जो सिंपल तरीके से जो रहने का मज़ा आता है, आनंद आता है, तो वो आप जैसे लोगों से हमने सीखा है और उसका आनंद ही अलग है। क्या बात है साहब, मज़ा आ गया। इसी का एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, मैं गजेंद्र जी का भी पहले आपका जवाब ले लूँ फिर उनका जवाब भी चाहूँगा। राजनीति रहस्य की ऐसी गुफा भी है जहाँ षड्यंत्र भी पनपते हैं, कुटिलता मुस्कुराती है, गिरोहबाजी, चापलूसी, चाटुकारिता की परिक्रमाएं, मेहनत, परिश्रम और निरंतर परिश्रम पर भारी पड़ती हैं। ऐसे में फिर भी आपको भय नहीं लगता कई बार कि कौन में बैठा है मध्य प्रदेश में, कौन बैठा है मालवा में, जो हरदीप सिंह डंग जी को हमेशा सरपरस्त बनकर उनकी मदद करता रहेगा, या वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, और यहाँ तो हनुमान जी दी फतेह, फिर कोई कोई गाली नहीं सोचनी है। बिल्कुल सही बात है, जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो कठिनाई ज़रूर आती है, और कठिनाई कुछ पल के लिए तो आती है पर सच्चाई में फिर बाद में जाके आनंद आता है, और उस आनंद का जो मज़ा है वो कई बार जीवन में देखा है। जैसे अभी हमारे कलेक्टर साहब कह रहे थे कि हम जो प्रयास करते हैं अपनी जगह पर, ईश्वर का एक कहीं ना कहीं जो ताकत जो ईश्वर की तरफ से मिलती है वो सबसे बड़ी ताकत है, और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। कई बार विचलित मन होता है, कई बार जो बातें आती है, कई बार राजनीति में जो मतलब आरोप लगते रहते हैं, पर फिर भी एक सच्चाई की ताकत है। आप सभी आरोप के बाद जब निकलते हैं तो एक तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहा है कि ईश्वर का आशीर्वाद अपनी जगह है, पर गरीबों की दुआएं वो सबसे ज़्यादा मजबूत करती है। जब उनका काम करने में आनंद आता है और वो कहता है कि भगवान तेरा भला करे, तो इससे बड़ा और धन और इससे बड़ा आशीर्वाद, वो ही ताकत ये जीवन में बढ़ने का रास्ता देती है, और वो आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गजेंद्र जी, आप उस परंपरा से आते हैं जहां राजनीति के हर पेचोखम को आपने महसूस किया है, आपके बुजुर्गों की मदद से भी, जैसा जिनका जिक्र आपने यहाँ किया, आपका अनुभव आपके चेहरे की गंभीरता भी बताती है कि आप राजनीति के हर मोड़ पर पहले ठिठकना पसंद करते हैं, कदम रखने के पहले देख लेते हैं ज़मीन कितनी सख्त है या नरम है या मुलायम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप किस तरह देखते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी भी है जो 10 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता शक्ति वाली पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उसके साथ अनेक चुनौतियाँ भी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी पार्टी भी बन रही है जहाँ कार्यकर्ता की सुनवाई पहले की तुलना में कम हो रही है, क्या कहेंगे आप? आज राजनीति के जिस मुकाम पर मैं हूँ उसमें मेरे पूज्य पिताजी और माताजी का बड़ा आशीर्वाद रहा है, और उनका एक ही कहना था कि राजनीति की ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर सुख दुख और काटे ये सब पनपते हैं, पर अपना ध्येय अगर उद्देश्य अगर ठीक है तो सब रास्तों को भी हम पता करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसलिए मैं जिस विचार से आता हूँ, जिस सिद्धांत से आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी क्षेत्र के प्रमुख लोग बैठे हैं, कि हमारा उद्देश्य है कि माँ भारती की सेवा करना, और इसके लिए कितने भी कष्ट हों उस कष्टों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना। इसलिए राजनीति में सफलता भी आती है और कभी कभी असफलताएँ भी आती हैं,
और इसलिए जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं तो उस असफलता में भी सफलता का रास्ता हम निकाल लें, अवसर को चुन लें, उसको लेकर हम काम करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मिशन पे ही काम कर रही कि सब सफलताओं के साथ में विफलताओं को भी पार करते हुए हमको आगे बढ़ना। और इसलिए मैं जिस विचार से काम करता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत खुले रूप से पूरे लोकसभा में काम करता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों की समस्याएं हल होना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के जितने उद्देश्य हैं, जो उनका मिशन है कि नए भारत का निर्माण करना है, और नए भारत के निर्माण में हमारा तन मन धन जो भी लग जाए उसको हम सबको लगाकर काम करना है। और इसलिए दिन रात मैं और मेरा पूरा दल हम सबको लगाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए आज पूरे देश में, जहाँ पर देश की आज़ादी के बाद हम शून्य मात्र में थे, आज हम पूरी ताकत से सत्ता पे पूरे दो तिहाई बहुमत के आधार पर खड़े हैं, उस उद्देश्य के कारण। मैं फिर राइजिंग विकास पर लौटूंगा, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन कंक्लूड करूंगा यहाँ मैं, फिर हरदीप जी से भी इसका छोटा सा उत्तर मैं चाहूंगा। ये बताइए मुझे, आप शून्य से शिखर पर आ गए, कांग्रेस से इतनी मोहब्बत क्यों है, उसको क्यों शून्य पर पहुंचाने में जुटे हैं? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का बड़ा महत्व है। राहुल गांधी नेपाल में कहाँ बैठे हैं, कमलनाथ जी कहाँ विदेश के दौरे पे गए हैं, कब दिल्ली में गए हुए हैं, इतनी मोहब्बत तो हमने देखी नहीं कि किसी सत्ताधारी दल ने अपनी विपक्षी पार्टी से इतनी मोहब्बत की हो कि तुम्हें कहीं का छोड़ेंगे नहीं सनम। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद ये तय हो गया था कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि देश का एक आंदोलन आज़ादी का संगठन था। परंतु उस समय आज़ाद होने के बाद में जो कल्पनाएं हमारे क्रांतिवीरों ने सोची थी, उस उद्देश्य को ये पार्टी पूरी नहीं कर सकती। और इसलिए देखा है कि जब वो शिखर पे थी उस समय, तो आज वो विपक्ष में बैठने के बहुमत के आधार पर भी खड़ी नहीं, और आज भी वो एक ही परिवार की पार्टी, आप देख लीजिए उनका इतिहास उठाकर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे, आज सोनिया गांधी लंबे समय से 15 साल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और आज भी कांग्रेस जिस गर्त पे जा रही है, उसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जनता देख रही है कि राहुल गांधी जिसको कहते हैं कि पप्पू, वो किस प्रकार से बोलता है, उसका क्या विज़न है, उसके विज़न से पूरा देश ये देख रहा है कि आज कांग्रेस की क्या गर्त हो रही है। पूरे देश भर के जितने प्रदेश हैं, आज हर प्रदेश में कांग्रेस शून्य की स्थिति में हो गई। हम अगर प्रदेशों की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, हमारा दिल्ली, महाराष्ट्र, हमारा कर्नाटका, जहाँ पर ये पूरे फुल बहुमत में थी, आज ये कुछ जगह छोड़ दें अपन, 2-3 जगह जहाँ पर सत्ता में, पूरे देश भर में 3-4 प्रदेशों के अलावा पूरी शून्य हो गई। तो ये उनका विज़न बिल्कुल ख़त्म है, और उनके विश्वास पात्र नेता लोग भी आज उनके साथ खड़े नहीं हैं। आप देख लीजिए, सेकंड लाइन में उनके साथ खड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जरूर है कि फर्स्ट लाइन अगर आज है तो सेकंड लाइन भी उनकी तैयार खड़ी है, थर्ड लाइन भी तैयार खड़ी है, पर कांग्रेस के पास ये विश्वास उन्होंने खो दिया है कि वो देश का नेतृत्व कर सकती है, जनता ने उनका विश्वास खो दिया है। हरदीप जी, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? कांग्रेस का नाम लेना आज की तारीख में कोई महत्व नहीं रखता है, कि जिस प्रकार से कांग्रेस व्यक्तिगत पार्टी हो गई है, जैसे अभी हमारे सांसद महोदय ने बोला, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, फलाना चंद जी की कांग्रेस, तो अभी वही चल रहा है। वो अभी अपने अपने पुत्रों को कहाँ फिट करें, अपने बच्चों के लिए क्या, कौन से रास्ते खोल के जाए, वो इस टेंशन में है। उनको पता है कि अभी तो कांग्रेस आना नहीं है। और जिस आपके यहाँ बच्चों के रास्ते बंद हो रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं हम। कहाँ पर? आपके यहाँ बीजेपी में बच्चों के रास्ते, यहाँ पर जो काम करेगा वो आगे जाएगा। और ये पार्टी में मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में यहाँ पर बैठा हूँ, जिसके नेता मोदी जी हों, योगी जी हों, शिवराज सिंह जी चौहान जैसे हों, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हों। और मुझे गर्व इस बात का भी है कि आज शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में, अगर बड़वानी की बात, अगर विकास की बात करें, तो आज सिंचाई योजना जो यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पे शून्य हुआ करती थी, आज सिंचाई योजनाओं एक गति पकड़ी हुई है। यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के बारे में तो अभी ये बड़वानी वाले जितने अभी दमदारी से बोले थे, तो यही कह सकते हैं
क्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ता है। तो आज बड़वानी वाले बिल्कुल दमदारी से शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर बात रही तो स्वास्थ्य में तो आपदा को अवसर में बदलने का अगर कोई हुनर है तो बड़वानी के पास, बड़वानी वालों के पूरे क्षेत्र के पास है कि जो आपदा इनके पास आई थी उसको अवसर में बदल के अगर दिखाया, बदल कर दिखाया तो ये बड़वानी के। और मैं यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, एसपी साहब, अभी ये दो ही आज हमारे कलेक्टर साहब के लिए इसलिए दो शब्द बोलना पड़ेंगे, ये उम्र तो क्या पता क्या होगी पर 26 साल के लगते हैं अभी, वो लगातार अच्छे काम करने में। मैंने अभी उनके साथ अभी 20 किलोमीटर की साइकिल भी हमने साइकिल चलाई, मैंने ऐसे तो 60 किलोमीटर वहाँ पर चलाई थी नीमच में एक ही, और अभी 20 किलोमीटर यहाँ पर बड़वानी में साइकिल चलाई। वृक्षारोपण करने का अगर मैं पर्यावरण मंत्री हूँ तो उनको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पूरी टीम को, कि जन भागीदारी को साथ में लेके यहाँ के व्यक्तियों को साथ में लेकर इतनी जो एक कहते हैं ना गंजी पहाड़ी जहाँ पर कुछ भी नहीं था आज हरियाली नज़र आती है। और अभी जैसे 30,000 उस दिन जब मैं आया था तो 30,000 पौधे लगाए, ऐसे कुल मिला के सब अगर माने तो 60,000 पौधे, वो भी पहाड़ियों पर, वो ड्रिप सिस्टम, आप अगर 300 फीट 400 फीट पर पानी पहुँचाते हैं और अगर बड़वानी का जो पानी नगर पालिका का है उसको वेस्ट पानी को उसमें उपयोग करते हैं तो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक काम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए और उद्योगों के लिए जो रास्ते यहाँ पर बड़वानी में खुल रहे हैं, और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बड़वानी जैसे ज़िले का मेरे को प्रभार दिया और इतना प्रेम यहाँ पर, जब भी आता हूँ तो यहाँ प्रेम भाई से भी ज़्यादा प्रेम यहाँ पर देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब जाने दो पकड़ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ का आनंद ही अलग है। बहुत खूब। अब ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं आप दोनों से, पहले आपसे जवाब चाहूँगा डंग साहब। पहुँच अभियान की शुरुआत आज से बड़वानी में हुई है और जो मुझे बताया गया कि ये फर्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश के ज़िलों में पहला ज़िला है। पहुँच अभियान का उद्देश्य किस तरह से बड़वानी में पहुँच अभियान और बड़वानी के विकास की आगे की संकल्पना, ये प्रश्न मेरा आपसे भी है और गजेंद्र जी से आपके बाद में का। पहुँच अभियान, अभी हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए थे उसमें भी सभी ज़िलों में लग रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे लगे थे, उसमें करीब 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पब्लिक आई, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा के अपनी आइडिया बनवाई और बहुत से उसमें डिपार्टमेंट भी थे उसमें जो सभी ज़िलों में लगे, हमारे इधर भी लगे, मेरी विधानसभा में लगे। और यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस बात को महसूस करा कि आखिर में जो योजनाएं शासन की है वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि ये हर ज़िले में कहीं ना कहीं कमी है, पर बड़वानी में जब ये बात उन्होंने सोची तो उन्होंने पूरे समस्त अधिकारियों को एक कैंप, एक छत के नीचे कि इनके घर पे जाकर इनको पहुँच कर, चाहे वो आप आधार कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, या फिर आपके संबल योजना की बात हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, या ऐसे कहीं भी जो शासन की योजना उन तक नहीं पहुँच पा रही है उनके घर जाके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आंगनवाड़ी करेगी बच्चों का काम, उससे बड़े होंगे तो फिर शिक्षक करेंगे, ये टीम भावना जो उन्होंने पैदा करी है और ये जज्बा ये हर अधिकारी में अगर आ जाए तो मैं मानता हूँ कि शासन की योजनाओं का 100% लाभ जनता को मिलने लगेगा। इसलिए ऐसी योजनाओं को मैं धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडो तो हमने सुना है शिवराज जी, लेकिन आम जनता के लिए सिंगल विंडो, ये साहब ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी वाकई तारीफ। और मेरा मानना है कि ये बड़वानी का उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए। आगे के लिए आप क्या देखते हैं बड़वानी के विकास के लिए, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़वानी मध्य प्रदेश का, मुझे लगता है साहब इसको नंबर वन जिला होने में कोई रोक नहीं सकता। एक बार ताली बजती भाई कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है, क्योंकि शरद जी भी आ गए हैं हमारे बीच में और पूरी जो टीम है हमारे, एक बात बताऊँ क्यों ना बने ये जिला नंबर वन, कि यहाँ पर तीन हमारे यहाँ पर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक विधानसभा है, सभा तीन है और बड़वानी में तीनों मौजूद हैं। लोकसभा में गजेंद्र सिंह जी हैं, राज्यसभा में सुमेर सिंह जी हैं और विधानसभा में प्रेम सिंह जी हैं। तो ये तीनों का मेल, जितनी भी मेल है, इनकी ताकत हमारे जो संगठन के जो व्यक्ति हैं
हमारे चाहे वो ओम जी सोनी हो या उनकी पूरी टीम हो, हमारे बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, और अधिकारी ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों मिलकर जब इस बड़वानी को आगे ले जाना चाहते हैं तो इसको नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में सिंचाई योजनाएं जब घर घर पहुँचेगी तो इससे मतलब खेतों पर पहुँचेगी, और जो जल जीवन मिशन है उसका पानी जब अपने घर पे कोई व्यक्ति खोलेगा और झरझर पानी जाएगा, पानी शिक्षा और स्वास्थ्य अगर किसी को मिल जाता है तो नंबर वन पे वो जिला रहेगा। और मुझे उम्मीद है और आपने जो विश्वास दिलाया है कि शीघ्र ये नंबर वन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में नंबर वन रहेगा। बहुत शुभकामनाएं इस पर गजेंद्र जी, आपका भी उत्तर चाहूँगा आगे की क्या योजना संकल्पना स्थानीय सांसद होने के नाते, और खंड यही नहीं खरगोन का भी अगर आप जिक्र करना चाहें तो बड़वानी का दिल बहुत बड़ा है, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी खरगोन का जिक्र करते हैं तो दूसरा विषय शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मैं पहुंच अभियान जो आज शुरू करा है, मुझे लगता है कि शासन प्रशासन दोनों के सामंजस्य से क्षेत्र का विकास होता है। शहर अपने आप में मैनेजमेंट के आधार पर कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर विकास तो होता है, परंतु कहते हैं कि भारत का विकास गांव में के विकास के आधार पर पूरा डिपेंड है। अब गांव में पहले देश की आज़ादी नहीं, हजारों साल पहले सब चीज़ें गांव में होती थी। अगर आटा चाहिए तो आटा चक्की भी गांव में थी, खेत में फसलें भी होती थी, वहीं उसका लोग उसका उपभोग करते थे, मजदूरी भी उसको गाँव में मिलती थी, किसी भी व्यक्ति को पुराने समय में गाँव से बाहर जाना नहीं पड़ता था। जैसे युग बढ़ा तो लोग गांव से शहर की ओर आने लगे, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना, और उसमें गांव की व्यवस्था, गांव की आवश्यकता गांव में ही सुलभ हो जाए तब गांव खड़ा होता है, और इसलिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं सुविधाएं देने के लिए बनाई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आयुष्मान कार्ड की योजना है, संबल है हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए है, बच्चों की शिक्षा के लिए है, राशन हमारे राशन कार्ड की हमारी पर्ची वाला विषय है। तो ये तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार ने बना दी, पर गांव के लोगों का भी ये जानकारी नहीं कि उसको लाभ किस तरह से मिलेगा, किसके पास जाना है, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या भरना है, क्योंकि भरते आता नहीं गांव के लोगों को। इसलिए अधिकारी लोग गाँव में जाएँ और ये सब योजनाओं के अनुरूप लोगों के फॉर्मेट भरें और उनकी पर्ची बनाएँ, संबल कार्ड बनाएँ, आयुष्मान कार्ड बनाएँ। तो मुझे लगता है कि एक अभियान जो स्वास्थ्य मेले लगे थे उसके बाद हमारे जिला प्रशासन से जब बातचीत हुई कि भाई इस प्रकार के पहुंच अभियान चलाना चाहिए जिससे गांव के लोगों का कार्ड तत्काल बना दिया जाए, और इसलिए आज हमने मंत्री जी और हमने शुरुआत करी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये छोटे छोटे जो लोगों के लिए जो बहुत पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, और अगर इनको ये लाभ मिलने लग जाए और ये खुद खड़े हो जाएँ तो गाँव का विकास संभव है। और इसलिए छोटे छोटे उद्यम हुए, छोटे छोटे प्रकल्प हुए, हम अगर वनों में रहने वाले अगर बंधन केंद्र बना दिए जाए तो उसकी उपज है, हम किसानों की FPO बना दिए जाए, ये सब चल रहा है काम हमारे, मतलब मैं अगर जिक्र करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो गांव के विकास के लिए ये सब प्रमुख प्राथमिक चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज के भाषण में कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारी कई गर्भवती जो महिलाएँ जिनको लाभ मिलना चाहिए था, जो हमको सरकार 12,000-14,000 जो लाभ देती है, ऐसे 40,000 बहनों को मिलना था जिसमें 20,000 बहनों को मिला, तो वो जो नहीं मिला है उसका यही था कि उसका संबल कार्ड में नाम सही नहीं है, उसका नाम जुड़ा ही नहीं है। तो ये प्राथमिक तौर पे जुड़ जाए इसलिए ये पहुंच मार्ग अभियान शुरू हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का ये बड़वानी पहला जिला है जहाँ पर हमने आज शुरू किया है पहुँच अभियान, तो ये हाट बाजारों में भी चलेगा और फिर ग्राम पंचायतों में भी अधिकारियों को भेजेंगे जिससे गाँव के अगर कुछ परसेंटेज अगर लोग रह गए हैं तो वो भी पूरे हो जाए, जिससे देश के प्रधानमंत्री का जो सोच है वो गांव के लोगों को लाभ मिल जाए। क्या बात है साहब, बहुत बधाई जी, पूरी कर लीजिए आप। दूसरा ये था कि अब मैं लोकसभा का भी सांसद हूँ, प्रदेश में सरकार हमारी है, देश में भी सरकार है, मेरा प्रयास है कि मुझे हमारे बड़वानी की जनता, खरगोन की जनता का बहुत भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं सुबह से लेकर रात तक पूरी ताकत से जितना काम हो सकता है उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनके काम हो जाए और विकास की गाथाएं लिखी जाए। अब बड़वानी खरगोन जिले की दोनों की बात मैं करने की आवश्यकता समझता हूँ। एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव लड़ते थे, सांसद बनते थे वो,
रामचंद्र विट्ठल बड़े, वो कभी चुनाव नहीं हारे। और कांग्रेस के पास में था एक व्यक्ति शशिभूषण वाजपेयी, मुंबई से चुनाव लड़ता था, वो भी कभी चुनाव नहीं हारा। रामचंद्र विट्ठल बड़े को चुनाव हराने के लिए शशिभूषण वाजपेयी को यहाँ लाया गया और क्षेत्र की जनता के सामने बोल दिया गया कि शशिभूषण वाजपेयी चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पर रेल लाएंगे, और नकली ट्रेन की पटरियाँ जनता के सामने पटक दी गई और शशिभूषण वाजपेयी जी चुनाव जीत गए यहाँ के लोगों को भ्रम पैदा कर। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो चुनाव जीतने के बाद में ट्रेन की पटरियाँ उठाकर वापस मुंबई ले गए। अभी नए वर्जन के लोग हैं जिनको जानकारी कम होगी, निमाड़ के गांधी कहते थे उनको रामचंद्र विट्ठल बड़े जी। पूरे देश भर में उनकी जितनी बड़ी शव यात्रा थी माननीय मंत्री जी, 70 किलोमीटर की शव यात्रा और 40 फीट की उनकी जो उनके अंत्येष्टि करते हैं वो, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में है कि हर व्यक्ति एक एक घर से अपनी लकड़ी लेकर आता है जलाने के लिए, तो 40 से 50 फीट तक उसकी अर्थी को सजाया गया और सीढ़ी से उनकी शव को रखा गया। ये पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं, इतने निमाड़ के गांधी थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोलकर इस खरगोन बड़वानी की जनता को भ्रम पैदा किया और हमेशा से भ्रम पैदा करके चुनाव भी जीते हैं। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है कि जब से मैं सांसद बना हूँ तो आप सबने देखा है कि लोकसभा के सदन पर पटल पर मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया कि 4 जगह से यहाँ पर ट्रेन आ सकती है, सबकी जानकारी में है। मैंने उस मुद्दे पर काम करना शुरू किया है जिसका खंडवा खरगोन बड़वानी भाई धार होते हुए उसका टेंडर, मतलब सर्वे का टेंडर लग भी गया और उसका टेंडर खुल भी गया है, सर्वे चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम उस पर कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ जाएंगे, जो सपना हमारे खरगोन बड़वानी की जनता का हमारा वो बहुत, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। सेलदा प्लांट है, वहाँ से ट्रेन हम खींच के खरगोन ला सकते हैं। अलीराजपुर में ट्रेन की पटरी भींच रही है, वहाँ से हम खींच के बड़वानी ला सकते हैं। इंदौर मलमाड़ एक प्रोजेक्ट पहले से स्वीकृत है परंतु कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम उसको आगे काम नहीं बढ़ा पा रहे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम सांसद बने, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विकास को लेकर काम कर रही है, तो इस क्षेत्र में ट्रेन आना जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं जी। साफ सफाई के मामले में हम अव्वल हैं, यहाँ पर रोजगार स्थापित होना चाहिए इसलिए हमारे औद्योगिक क्षेत्र हमने चिन्हित करे हैं। हमने कलेक्टर साहब के साथ बैठकर हमने FPO बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जनजाति क्षेत्र 67% है। यहाँ पर यहाँ की मक्का, यहाँ का पपीता, यहाँ का केला, यहाँ के फल सब्जियाँ आप सब लोग खाते ही पीते हैं, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग भी होता है बाहर तक, सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल। तो यहाँ पर बड़ा हब बनाया जा सकता है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा बड़वानी, अंजड़, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, ये बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बाईपास का सर्वे शुरू कर दिया, निश्चित तौर पर हम आने वाले साल में बाईपास का टेंडर भी लगेगा और ये सभी शहर बाईपास हो जाएंगे जिससे हम बहुत जल्दी पहुँच मार्ग से हम कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमारे यहाँ लॉ कॉलेज का काम शुरू होने वाला है, मॉडल कॉलेज हम केंद्र सरकार से स्वीकृत करा के लाएँ, मॉडल कॉलेज का काम पूर्ण रूप से बन गया, आपने देखा है करी रोड पर। मतलब हेल्थ के क्षेत्र में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी हम इसी सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ट्रेन है हमारे, हवाई पट्टी खरगोन में है, उसको लेकर भी हम प्राइवेट लाइसेंस को PP मोड पर देने वाले हैं। तो यहाँ के बच्चों का प्रधानमंत्री कौशल के माध्यम से उनका ट्रेनिंग हो, छोटे छोटे रोजगार स्थापित गाँव में हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जल जीवन मिशन का काम हमारे गाँव में चल रहा है, आप लोग कुछ गाँव के लोग बैठे हैं, अब पाइप बिछ रहा है, पाइप जुड़ रहा है, टूटी लग रही है, पानी उसमें आएगा। अब अगर वो पाइपलाइन कुछ ख़राब होती है तो उसको, पाइपलाइन को ठीक करने के लिए हमको शहर से लाना पड़ता है, तो उसका प्लम्बरिंग का मैकेनिक हमारे गांव में होना चाहिए, उसका कौशल का ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ टायर पंचर होता है, उसका कौशल हम कराएंगे। हमारे बिजली फिटिंग का काम गाँव में, अब तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से कहीं आवास बन रहे हैं, उसकी हम स्किल्ड करा रहे हैं। अभी 13 तारीख को बहुत बड़ा स्किल्ड भोपाल में हम लोग करा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे इस प्रकार के गाँव के युवाओं का हम स्किल्ड करा रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं कि गाँव में ही सब चीज़ें मिल जाएँ। तो मेरी इच्छा ऐसा है कि यह क्षेत्र ऐसे बहुत अच्छा है, विकसित की श्रेणी में हम बढ़ने वाले हैं, परंतु सबकी मदद काफ़ी मिलती है क्षेत्र की जनता की। बिल्कुल सर। और निश्चित तौर पर मैं ये है कि मेरे रहते हुए हमारे बाद में भी, हमारे पहले भी हमारे सब नेताओं ने काम किया, जिस मिशन के तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि नया भारत, उसमें बड़वानी भी जो पुराने लोगों ने सोच कर गए, जिनने पुस्तकें लिखी है कि बड़वानी कैसे होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, रोजगार उन्मुख होना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ों पे मैं और भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष पूरी, हमारे प्रेम सिंह जी, सुमेर सिंह जी, आदरणीय हरदीप सिंह जी, हमारा हमारा प्रशासन सब मिलकर काम करें, निश्चित तौर पर पूरा मन है कि हम इसको विकास कर पाएंगे।
सर एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी आप सभी से चर्चा करके, जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक टीम मैंने यहाँ देखी, कि किसी के चेहरे पे ये नहीं है कि मैं आगे रहूँ। एक दूसरे का नाम बराबर लिया जाता है, जैसे 4x400 हर्डल्स होती है कि आप बैटन देते चले जाते हैं। अब सुमेर सिंह जी को गजेंद्र जी ने पकड़ा दिया, बैटन आप दौड़िए। फिर हरदीप सिंह जी लेके आगे बढ़े, उन्होंने पकड़ा दिया सोनी जी को, या पटेल साहब को पकड़ा दिया। ये जो जज्बा है, फिर उधर से प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने थाम ली। मैंने आप लोगों के चेहरे पे एक अलग ही भाव देखा, जो मुझे लगता है कि मैंने मध्य प्रदेश के एकमात्र शहर इंदौर में देखा है आगे बढ़ने का, कि जहाँ ईगो नहीं है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी भी साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़वानी का पानी है और यहाँ के नेता ऐसे हैं कि यहाँ शायद वो दलीय प्रतिस्पर्धा भी आड़े नहीं आएगी, लेकिन ये ज़िला ज़रूर आगे बढ़ेगा साहब, बेहिचक आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन नेताओं के चेहरे पर नमक भी है, पानी भी है, लिहाज भी है, अदब भी है, और प्रतिबद्धता भी है, कमिटमेंट भी है कि हम इस ज़िले को आगे ले जाएंगे। और सांसद महोदय तो जिस तरह बात कर रहे थे, और हमारे प्रभारी मंत्री जिस तरह बात कर रहे थे, ये बताता है कि इन लोगों ने अपने संस्कारों में ढाल लिया। बताइए 20 किलोमीटर ये साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद 10 बजे तक हमारे साथ यहाँ बैठे हैं ऊर्जा से। गजेंद्र जी खरगोन और बड़वानी के विकास का पूरा मैप लेकर बैठे हैं, और इन दोनों के परिवारों में ये परंपरा है जन सेवा की, बड़ी मजबूत और गहरी परंपरा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का, बहुत आनंद आया, और बड़वानी की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, राजनेताओं की भी, प्रशासन की भी, और आप जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम बहुत शीघ्रता से प्रेजेंटेशन पार्ट